नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। दर्शकों, आज एक नया मुद्दा है और बात पुरानी है। दर्शकों, चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, सभी सियासी दल अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत बनाने के लिए नई नई ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में जब इस तरीके के जब चुनाव पास आते हैं तो बड़ी तेजी से आंधी बहती है। कुछ लोग इधर भागते हैं, कुछ लोग उधर भागते हैं, कुछ पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अस्तित्व में आती हैं और वो पार्टियां भी एक रोल प्ले करने लगती हैं। तो अब ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में, दर्शकों आपको बताएं कि कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि अगले साल होने हैं, कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है। तो ऐसे में अब सारी पार्टियां अपने नए नए पत्ते फेंकना शुरू कर चुकी हैं। हालांकि ध्रुव का इक्का जो है वो उन्होंने अभी छिपा के रखा है, वो चुनाव से महज एक माह पहले या डेढ़ माह पहले ही सामने आएगा, लेकिन पत्ते खोल दिया है। अब धीरे धीरे क्या उनकी रणनीति है, किस तरफ वो जाने वाले हैं, ये निकलकर कहीं ना कहीं सामने आने लगा है। तो जैसे कि अब चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी अपनी शैली थोड़ी थोड़ी देखिएगा शिफ्ट करते हुए नजर आएंगे। अब उनकी शैली में बिच्छू, राम मंदिर, अब्बा जान, चाचा जान, ऐसे शब्दों की जो शब्दावली है एड ऑन हो चुकी है, तो यह सब कुछ दिखने लगा है। बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी जो है वो अपने आप को एक दोबारा से रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। नई सपा है, नई हवा है, तो यहां रीलॉन्चिंग का काम चल रहा है। वहीं एक तरफ बसपा है, बसपा एक तरफ जहां ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं बैलेंस करने की बड़ी कोशिश कर रही है कि कहीं दलित हाथ से ना चटक जाए। तो बसपा अपना काम कर रही है, सपा अपना काम कर रही है, बीजेपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस एक बार फिर से कोशिश कर रही है, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस इस बार एक दो का आंकड़ा, मतलब एक या दो डिजिट का जो फिगर है उसको भी शायद क्रॉस ना कर पाए। लेकिन हालांकि कोशिश पूरी है उनकी। प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा समय जो है वो लखनऊ में बिताया है, तो नया चेहरा प्रियंका गांधी अगर सामने आती है तो कोशिशें हैं, देखिएगा क्या होता है। लेकिन पिछली बार जैसा 2017 में हुआ था दर्शकों, कि सपा के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, इसका दोनों पार्टियों को भरपूर घाटा हुआ, दोनों पार्टियों की जो सियासी जो सोच थी वो मटियामेट हो गई। लेकिन इस बार सभी पार्टियां इन चीजों से बच रही हैं और धीरे 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 रोज रोज एक नया प्ले कार्ड सामने रख रही हैं, एक नया कार्ड सामने रख रही हैं। हालांकि ट्रंप कार्ड तो अभी भी छिपा के रखा होगा, जाहिर सी बात है चुनाव से पहले ही ये सामने आएगा। लेकिन आज की जो बहस है वो बहस होगी इस बात पर कि छोटी पार्टियों का सहारा लेने की आखिर ये जो बड़ी पार्टियां हैं इनको जरूरत क्यों आने पड़ती है। चुनाव से महज कुछ समय पहले ही अचानक से छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनकी बोली शुरू हो चुकी है। अब इनको हर कोई अपने दल में समेटना चाहता है, ये भी लेना चाहते हैं, वो भी लेना चाहते हैं। सत्ताधारी बीजेपी पार्टी, दर्शकों मैं बताऊं कि इसको मैं कल भी इस पर बातचीत कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि पूरा जब पूरा पर्दा जब हट जाएगा, जब पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी तब इस पर बात करेंगे, इसलिए समय लिया। और समय लेने के बाद अब पूरी कहानी जब स्पष्ट हो चुकी है तब आपसे बात करने के लिए आपके सामने मैं आ गया हूं। तो बात दरअसल ये होगी कि जो छोटी पार्टियां ये किस तरीके से बड़ी पार्टियों के लिए आती है सामने, या तो इन्हें स्टेपनी की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि कल तक जो राजभर साहब थे वो इधर गोते लगा रहे थे, आज राजभर साहब उधर गोते लगा रहे हैं। तो ये पार्टी क्या पार्टी, इनकी क्या विचारधारा है, क्योंकि चुनाव को देखते हुए अगर ये कभी इधर के हो जाते हैं, कभी उधर के हो जाते हैं, तो इनका कुछ समझ में नहीं आता। और चुनाव के बाद अगर इन्हें मनचाही नहीं मिलती, मनचाही सीट नहीं मिलती, मनचाहा पद नहीं मिलता, तो फिर नाराज हुए मनाओ, अगर ना माने तो फिर लपक के उधर। तो इनका जो ये लपकना पकना है इस पर कैसे रोक लगेगी और ये चुनाव से पहले इन पार्टियों की बोली क्यों लगती रहती है, इस पर आज बहस करेंगे। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी ने अब निषाद पार्टी के साथ अपने संबंध जो है बेहतर कर लिए हैं, वापस निषाद पार्टी जो है वो बीजेपी उसने ज्वाइन कर ली है। इससे पहले निषाद पार्टी ने, आपको बता दें कि 2016 से पहले की अगर मैं बात करूं तो 2016 से पहले दर्शकों कोई भी निषाद पार्टी को नहीं जानता था। इसलिए नहीं जानता था क्योंकि संजय निषाद साहब जो थे वो तो खुद ही डॉक्टर थे, तो 2016 के बाद वो आए, अचानक से आए, कोई नहीं जान पाया। लेकिन हाँ, पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं तो पूर्वांचल में थोड़ा थोड़ा उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की, और इसके बाद अचानक से जब ये चुनाव जीते, जब उप सीट थी, उप विधानसभा का जब चुनाव हुआ गोरखपुर से, वहां सीट निकाल ले गए, तो एकदम से लाइमलाइट में आ गए।
लाइमलाइट में आए तो निषाद पार्टी क्या है तो लोगों को पता लगा, सर्च हुआ, गूगल सर्च इंजन पर गए लोग, सर्च किया तो पता लगा कि हाँ ऐसी ऐसी एक पार्टी है, छोटी पार्टी है लेकिन हाँ रुतबा रख लिया। लेकिन जैसे ही रुतबा रख लिया वैसे ही मट्ठा डाल दिया और तुरंत आ गए बीजेपी में। बीजेपी में आए, महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी, लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो भी जीत गए। अब निषाद पार्टी बीजेपी के साथ ही है, अपना दल बीजेपी के साथ ही है, लेकिन सपा भी पीछे नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में आरएलडी ने एक बार फिर अपनी तूफानी पारी की एक नई शुरुआत की। तो अब ऐसे में पार्टियों को छोटे दलों की जरूरत क्यों पड़ती है, काहे पड़ती है और इनका काम रोल असल में है क्या? महज चुनाव से पहले सीटें बटोरने के लिए वोट बटोरने का काम है या फिर इनका अस्तित्व में कुछ और भी है? तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, इनसे आपका तारुफ करा देता हूं। अश्विनी शाही साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दयाराम भार्गव साहब हैं, सुभाषपा प्रवक्ता हैं। अनिल डब्बा साहब हैं, आरएलडी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सत्ता का संग्राम कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, धन्यवाद। ठीक है, तो सबसे पहले अब सत्ता की बात ही कर लेते हैं। तो अश्विनी शाही साहब जब सामने बैठे हैं तो उन्हीं से सवाल हो जाए कि अश्विनी शाही साहब, जब सब बेहतर बेहतर है, सब बढ़िया बढ़िया है और अब की एक बार फिर आप कह रहे हैं योगी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर आप चल रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव से जस्ट पहले क्यों जरूरत पड़ती है कि छोटी पार्टियों को भी साथ में लिया जाए? इनके बिना अगर आप अकेले चुनाव लड़ते हैं तो क्या मुसीबत आन पड़ती है? देखिए, कोई मुसीबत नहीं है, कहीं अकेले जाने में भी मुसीबत नहीं है, साथ में लेकर चलने में भी मुसीबत नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान के हर लगभग हर उसमें प्रदेश में एक पिछले दो तीन दशकों से देखा जा रहा है कि बहुदलीय व्यवस्था हो गई है, जहां क्षेत्रीय पार्टियां हर जगह कहीं ना कहीं मजबूत अवस्था में हैं। अब बंगाल से लेकर आप चले जाइए महाराष्ट्र तक, तो हर तरफ जो है लोग क्षेत्रीय पार्टियां हैं इस समय जी। तो बहुदलीय व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू है और हम लोगों ने आज से नहीं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे यहाँ तब भी हम लोगों ने एनडीए का गठन उस समय हुआ, उस समय भी हम लोगों ने साथ में लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत अच्छा ये रहा। उत्तर प्रदेश में देखिए, हम लोगों ने विधानसभा में 384 सीटों पर लड़ाई की और 312 जीते, ये अकेले जीते। 203 में हम सरकार बना सकते हैं लेकिन 312 जीतने के बाद भी हमारे पास पहले से लगे हुए जो भी हमारे लोग थे, अपना दल था या जो भी हमारे एनडीए के घटक थे, हम सबको साथ में लेकर चले, मंत्री पद दिया उनको। ऐसे ही हम लोगों ने दिल्ली में भी, देखिए दिल्ली में भी हम लोगों ने अपने साथियों को साथ में लेकर हम लोग चले, अपने बलबूते पर हमने सरकार बनाई। लेकिन जो एनडीए का मतलब पहले से जुड़े हमारे साथी थे उनको लेकर हम चले। तो आपका यह सवाल यहां पर बेमानी हो जाता है कि जरूरत क्या है। जरूरत इसलिए है कि हम लोग, अगर हमारे साथी आज 10 साल 20 साल से जुड़े हुए हैं या उनकी विचारधारा हमसे मेल खाती है, या इसको कह लीजिए कि हमको बहुदलीय व्यवस्था में कुछ लोगों के साथ जाना ही जाना है, तो एक राजनीतिक व्यवस्था यह है, वो करना हम लोगों को पड़ता है जी। ठीक है, आपका जो वर्जन था वो मैंने सुन लिया। कपीश श्रीवास्तव साहब के पास आएंगे, समाजवादी पार्टी से हैं लेकिन वो अभी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। इससे पहले आते हैं अनिल डब्बा साहब के पास। तो अनिल डब्बा साहब, आरएलडी से हैं आप, ये बताइएगा कि आपको सपा ने, आप सपा के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपने कहा है कि जब सपा के साथ आपका पूरी जब सेटिंग सही बैठ जाएगी तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप प्रचार प्रसार भी करेंगे, यात्राएं भी निकालेंगे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप उनको एक स्ट्रांग बैकअप देंगे समाजवादी पार्टी को। तो ये बताइए कि आपकी पार्टी जब समाजवादी पार्टी के साथ सत्ता में आएगी तो क्या सेटिंग को, सीटों को लेकर बाद में कैसे सेटिंग बैठाएंगे? धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने चुनाव प्रचार अपने कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे पिछले 3-4 महीनों से। गठबंधन का हमारे जो शीर्ष नेता हैं माननीय जयंत चौधरी जी, वो तय करेंगे कि किस गठबंधन होगा, किन सीटों पर होगा, किन विचारधारा पर होगा। लेकिन जो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो अलग है बिल्कुल। उसके साथ हमारा जो है समाजवादी के साथ मैच होता है या किसके साथ मैच होता है ये हमारे नेताजी तय करेंगे। लेकिन हमारा किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का गन्ने का पेमेंट, आलू किसानों का पेमेंट, उनके भाव तय करना,
हमारा जो है जैसे किसानों का जो है बिजली का बिल है, बढ़ी हुई विद्युत दरें हैं, बेरोजगारी है, जो युवा भटक रहे हैं, जो है 2017 से आज तक उनको नौकरी नहीं मिली, उनकी उम्र निकल गई, बहुत सारे मुद्दे हैं। हम उन मुद्दों को लेकर किसानों के मुद्दों को, गरीबों के, मजदूरों के, जो छोटे व्यापारी हैं उनकी कमर टूट गई, उनको मुद्दों को लेकर हम जो है जनता के बीच जाएंगे। और हमने अपनी अभी 17 रैलियां लगा भी दी है, माननीय जयंत चौधरी जी खुद जो है जाएंगे। आपको लगता है साहब, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर आप जाएंगे तो आपकी जो डूबती पार्टी है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है उत्तर प्रदेश का, उसमें से कहीं नाम गायब होता नजर आ रहा था, तो दोबारा से वो वर्चस्व वापस पाने में आप सफल हो पाएंगे? नहीं, वो आप देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरे देश की नजर जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर है, बढ़ता हुआ जनाधार है। ये जो हिंदू मुस्लिम दंगों को लेकर 2017 में मुझे फनेगर से शुरुआत की थी, जो युवा भटक गए थे, युवा भटक गए थे कि हमें नौकरी मिलेगी, 15-15 लाख मिलेंगे हमारे खाते में पैसे आएंगे, रातों रात हम धनवान बन जाएंगे, उनके आंखों पर जो चश्मे लगे हुए थे उतर गए, उन लोगों को पता चल गया कि कौन लोग आपका भला कर सकता है, कौन इस देश में ऐसा नेता है। ठीक है, ठीक है, अश्विनी साई साहब, आपके सपा के जो साथी है वो भी जल्दी जुड़ेंगे, तीन पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। ठीक है, अश्विनी साई साहब, आपके जो साथी हैं सपा के वो भी जल्दी जुड़ेंगे। अश्विनी साई साहब, आरएलडी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा रखती है, अपना उनका कंट्रोल जो है ठीक है, तो ऐसे में आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आरएलडी सपा के साथ चली जाएगी तो जो किसान पहले से नाराज चल रहे हैं कहीं ना कहीं आपको बड़ा घाटा हो सकता है? देखिए, ये सोचने की बात नहीं है, ये चुनाव में कौन कहां जा रहा है वो देखने की बात होती है। आपको दो उदाहरण सामने आया, आपने अभी जिक्र भी किया आपने ओपनिंग रिमार्क में, 17 और 19 दोनों में समाजवादी पार्टी ने दो दलों से गठबंधन किया और वो दो दल, चलिए कांग्रेस को मैं मानता हूं कि वो हाथिए पर है, 5 से 6% की पार्टी है, उनसे उन लोगों ने गठबंधन किया, उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ा उनके ऊपर, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन, क्योंकि जो वोट का परसेंटेज था इनका पिछले 2012 के चुनाव में, अगर दोनों को मिला दिया जाए, क्लब कर दिया जाए 2014 के चुनाव का हम आंकड़ा निकाले, तो भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को मिलाने के बाद सामने नहीं खड़ी होती, वही देखकर धुर विरोधी मायावती जी के साथ क्या क्या हुआ गेस्ट हाउस में, उन सबको भूलने के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी ने और बहन जी की पार्टी ने गठबंधन किया, लेकिन रिजल्ट कहां रहा? रिजल्ट रहा भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर। सबका विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहा ही रहेगा। ये चुनाव के बाद पता चलेगा कि आरएलडी और सपा अगर साथ में आते हैं तो क्या असर पड़ता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, सुभाषपा से हमारे साथ दयाराम भार्गव साहब भी जुड़े हुए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। दयाराम भार्गव साहब, आप छोटे दल जो हैं जितने भी हैं, आप लोग अपने आप को कहां देखते हैं, आप लोग अपने आप को कहां पाते हैं? क्योंकि बड़े दल जो हैं या तो आपको चूस लेते हैं या आपको धू लेते हैं, तो आप अपने आप को कहां देखते हैं? क्योंकि आपका जो इस्तेमाल, कभी कभी लगता नहीं है कि आपका इस्तेमाल किया जाता है चंद महज वोटों के लिए? नहीं, ये सच्चाई है ये कि उत्तर प्रदेश में आप लोग, मेरा सवाल की जो भूमिका है वो समझा देता हूं, आप लोग फिक्स नहीं हो पाते। जैसे भाजपा जो है वो फिक्स है, उसका जो पूरा वर्जन टेक है वो फिक्स है, सपा का फिक्स है, आपका क्या है कि उछल कूद बहुत है, कभी इधर उछले कभी उधर कूदे, तो ये उछल कूद कैसे खत्म होगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने एक मोर्चा बनाया, भागीदारी संकट मोर्चा जी, उसमें 10 दल है, इस मोर्चे के 10 दलों ने 403 विधानसभाओं में अपनी तैयारी कर रखी है जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस मोर्चे के लोगों के द्वारा, 10 राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि भाजपा को छोड़ करके सपा बसपा कांग्रेस सबके दरवाजे खुले हैं। अब रही बात छोटे दलों का वजूद की बात, मैं उस पर आ जाता हूं जी जी। देखिए, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि इसके पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी 2017 में गठबंधन करके विधायक बनते हैं और भाजपा के सहयोगी में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिन नीतियों के, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जिन नीतियों के साथ समझौता हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस पर खड़ा नहीं उतरी। अब उसकी वजह क्या? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, इन्होंने कहा था राजभर जी हमारे साथ सरकार बनवा दीजिए,
हम आपको सामाजिक न्याय समझते हैं। सरकार बन गई, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप स्टेपनी की तरह कब तक यूज होते रहेंगे, आप यूज एंड थ्रो वाली क्वालिटी में कब तक रहेंगे? मैं वही तो बताना चाह रहा हूं, यह सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ये बड़े दल जो है क्षेत्रीय पार्टी, देखिए क्षेत्रीय पार्टियों का एक मुद्दा होता है वो दबे कुचले असहायों की बातों को लेकर के विधानसभा लोकसभा में जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो बड़ी पार्टियां हैं उन मुद्दों को तो उस समय भुलाती हैं और कहती है हमारे सरकार बनवा दीजिए, हम आपके सारे मुद्दों को हल करेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का अगर उठा के देख लीजिए ना, इन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किया, जबकि आप देखिए 2002 में जब राजनाथ की सरकार थी 2001 में तब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन राजमान्य आदरणीय राजनाथ की सरकार चली जाती है, तब से लेकर के सपा बसपा की सरकारें आई लेकिन वो ठग व्यवस्था में रहा। आदरणीय क्या नाम अमित शाह जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, सुनील बंसल जी से इन चीज पे चर्चा हुआ था आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ में, उन्होंने कहा था राजभर जी हमारी सरकार बनवा दीजिए तो हम आपके सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे वो लागू करेंगे, लेकिन ये नहीं किए। अब ये किस विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जाएगी ये विषय है, ठीक है, छोटे दलों की बात। नहीं, आपका दुख और पीड़ा जो है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बताइए आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका फायदा उठाया, आपने उनकी सरकार बनाई, बाद में उन्होंने आपको चूसकर अलग कर दिया, तो ऐसा बताइए कि सपा आपको क्या रसगुल्ला देगी, ये बताइए। देखिए हमने कहा ना, हमने आपको कहा ना, हम बीजेपी के साथ गए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, बिजली के सवाल पे गए, स्वास्थ्य के सवाल पे गए, रोजगार के सवाल पे गए, लेकिन इनमें से एक भी समस्या का भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाधान नहीं किया। अब रही बात समाजवादी पार्टी या बसपा की, देखिए सिद्धांतों की लड़ाई होती है, हमारे नेता आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा भाई भाजपा को छोड़ करके जो भी हमारे मोर्चे या दल में आना चाहते स्वागत है, इसकी वजह यह है आप देखिए 75 साल की आजादी में आज वो जातियां हैं, अर्कवंशी है, खरवार है, बिहार है, वो इन ऐसी तमाम जातियां उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई है जिनका आज भी सामाजिक राजनीतिक चेतना में उनका कोई भागीदारी नहीं है, इन जातियों का कोई प्रधान नहीं है, डीएम एसडीएम नहीं है, चपरासी नहीं, लेखपाल नहीं है, दरोगा नहीं है, पुलिस नहीं है, तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी दबे कुचले असहायों की बात को लेकर के उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को, देखिए आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा, हम भारतीय जनता पार्टी ने हमको ना निकाला गठबंधन से ना हमने छोड़ा, आप उठा करके लखनऊ के विधानसभा में चले जाइए, ठीक है, ठीक है, ठीक जो वित्त मंत्री है उन्होंने इस बात को कहा कि राजभर जी को हमने छोड़ा नहीं, वो ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, आपकी जो पीड़ा है वो चीख चीख कर बाहर आ रही है, भगवान भला करे। अब आपको एक बात बता दूं कि अश्विनी साई साहब आपके साथी कपिल श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, काफी देर से आए, खैर दुरुस्त आए। अब ये बताइए कपीश जी, आपके आने से पहले सभी लोग खूब बोल लिए, आपका बस इंतजार था कपिल श्रीवास्तव साहब, ये बताइए कि बीजेपी तो साथ लिया, निषाद को भी साथ ले गए, अपना दल भी साथ ले गए, आप कहां रह गए? साधने की बात नहीं है, और अभी इलेक्शन काफी दूर, निषाद पार्टी उनका हिस्सा थी वो 2019 से ही थी, ये बात अलग है कि निषाद पार्टी इनको करतब दिखाती रहती, पहले वो उप मुख्यमंत्री की सीट मांग रहे थे, एमएलसी की सीट मांग रहे थे, फिर उसके बाद 70 से 80 सीटें मांग रहे थे, वो भाजपा से मांग रहे थे, हमसे क्या मांगेंगे, जिससे तालमेल था उससे मांग रहे, लेकिन तब तक उनका स्टिंग आ गया, अश्वनी भाई स्टिंग पे बहुत फंस रहे हैं आप, क्या बात है, अच्छा एक स्टिंग आ गया जिसमें उन्होंने नहीं आपके साथ पर हंस रहे हैं, सबसे बड़े गुंडे हैं वो, देश के सबसे बड़े गुंडे हैं जिनके साथ इन्होंने गलबैया खेली है, तो वो तो शाही जी बताएंगे अपने मंचों से कि जो स्टिंग था वो सही था या नहीं था, और अगर सही नहीं था तो FIR दर्ज होना चाहिए उस चैनल के खिलाफ जिस चैनल ने ये स्टिंग कराया, और अगर वो इनके हिस्सा हैं तो जवाब इनको देना पड़ेगा कि कैसे किसको आग लगा के और क्या मार करके और जीता जाएगा चुनाव और हम सबसे बड़े गुंडे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें से ये तालमेल कर रहे हैं, खैर इनको ही सुशोभित होता है, अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है, चलिए थोड़ा सा जवाब देंगे, ठीक है कपिल साहब, थोड़ा सा चीज कह रहा हूं जी, जी मैं दूसरी बात है जी, जी कि देखिए समाजवादी पार्टी ने पहले ही से ये कह रखा कि हम छोटे दलों के साथ जो उत्तर प्रदेश में अपने अपने क्षेत्र में एक सत्रप सत्रप हैं, तो उनके साथ हम गठबंधन भी करेंगे, तालमेल भी करेंगे,
बस अंतर ये है कि उनकी विचारधारा हमारी मिलती जुलती होनी चाहिए, हमारे नेतृत्व, हमारे नियत, हमारे विकास में किए गए कार्यों के प्रति उनकी अपनी सहमति होनी चाहिए, और साथ ही इस विनाश लीला खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने की एक दरकार होनी चाहिए। तो इसके साथ वर्तमान समय में जनवादी मोर्चा, महान दल, रालोद और समाजवादी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर है और बाकी अन्य लोगों से भी बातचीत चल रही है, जैसे जैसे मामला सामने आएगा। ठीक है, आपकी राजनीतिक जो नपीतुली जो सोच है वो बहुत बढ़िया है, जिस तरीके से आपने कहा कि कौन कौन सी पार्टी आपके साथ आके आरएलडी भी इस बार आप साथ लड़ा रहे हैं, लेकिन 2017 के चुनाव में जैसा हुआ आपने बड़े जोश के साथ कहा कि ये दोनों लड़के पसंद हैं, ये दोनों लड़के पसंद हैं, लेकिन नापसंद कर दिए गए। इस बार भी आप एक नई चीज लेकर आए हैं, तो फॉर्मूले पर कब तक काम होगा? कोई एक ठोस आपके पास जी नई चीज लेके नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंट, इसको लगता है कि एक्सपेरिमेंट समझा जाता है कि इस बार आपने, इस बार चार लोग आपके बैठे, समाजवादी पार्टी के चार लोग बैठे, अखिलेश यादव जी उसमें नेतृत्व कर रहे थे, वहां पर फॉर्मूला डिजाइन किया गया कि ठीक है इस बार किसान आंदोलन में आरएलडी जो है निकल कर सामने आई है थोड़ा सा, तो इस बार आरएलडी को अपने पाले में रख लेते हैं, फायदा मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट कब तक चलेगा? ये रालोद हमारे साथ 2019 के भी चुनाव में थी, हमारी साथी गठबंधन की साथी थी, हम दोनों लोगों के बीच में कोई गठबंधन टूटा ही नहीं था जिसको बनाने की जरूरत पड़े। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और ये जो एरा चल रहा है 30-35 साल से, ये 30-35 साल से जो एरा चल रहा है गठबंधन का, और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा गठबंधन किया और एनडीए के रूप में इन्होंने केंद्र में पाली खेली, बिहार के अंदर भी आपने देखा और तमाम जगहों पे खेली जहां ये अद्वितीय रूप से हारे, चाहे वो राजस्थान रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, आज तोड़ फाड़ करके जहां ये अपनी सरकार बना ले वो एक अलग बात है, लेकिन वहां चुनाव ये हारे और उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव ये पूरी तरीके से हारे जी। ये बात अलग है कि काम दाम दंड भेद खरीद फरोख करके इन्होंने अपने पंचायत अध्यक्ष बनाए, इनको मुबारकबाद, इनके प्रशासन को मुबारकबाद, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उस इलेक्शन को इनके प्रशासन से लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट तंत्र से लड़ा। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमने जीता, हमने जो है काशी की एमएलसी की दोनों सीटें इनसे जीती है। ठीक है, सब जीता आपने, कपिल जी और ठीक है, पढ़े लिखे भी है, किसानों ने भी हमें वोट दिया और इस समय हमारे खिलाफ एंटी इनकमबेंसी नहीं। ठीक है, देखिए मेरा जो सवाल है बड़ा प्यारा सा सवाल है आप दोनों के लिए, अश्विनी शाही साहब और कपिल श्रीवास्तव साहब, आप देख रहे हैं आपके बाजू वाली खिड़की में आपको दयाराम भार्गव साहब, अनिल डब्बास साहब दिख रहे होंगे, आप दोनों बड़े दल जो है इन दोनों की तरफ देखिए किस तरीके से टकटकी लगाकर आपको निहार रहे हैं, ये कहते हैं कि आप या तो इनको धू लेते हैं चुनाव के पहले, या तो इनको पूरा इनको चूस लेते हैं, बाद में ये लोग फुदकते रहते हैं, आप ज्यों के त्यों वही बने रहते हैं, आप सत्ता में अल्टरनेट खेलते रहते हैं। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए अश्विनी भाई से पहले मैं कह दे रहा हूं, फिर अश्विनी भाई कह लेंगे अगर अनुमति हो जाए तो। नहीं नहीं आप कहें, धन्यवाद। एक कम एक मैं ये कह रहा हूं, देखिए सुभाजपा ने और शिवसेना ने, अकाली दल ने जिस तरीके से इनको आजमाया है मित्र बनकर, वो आपके सामने, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने तरफ से जो भी गठबंधन किए उसको अपनी तरफ से कभी नहीं छोड़ा और हम आज भी किसी की बुराई करते नजर नहीं। तो मैं तो एक बात कहता हूं कि स्वाभिमान अगर किसी दल का होगा तो वो पहले हमारे विकल्प पे देखेगा, अगर विनाश लीला खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी को हटाना, रह गई बात इसकी कि समाजवादी पार्टी इसी के लिए जानी जाती है, हमारा नेता, हमारा नेतृत्व इसी के लिए जाना जाता है कि जब हम कोई शब्द दे देते हैं तो उस शब्द पे हम कायम होते हैं, और यही हमारी बुराई भी है लोग कहते हैं और यही हमारी अच्छाई भी लोग कहते हैं जी। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ अच्छाई दिखती है कि हमने अपने साथ किए हुए गठबंधन को स्वयं अपनी तरफ से आज तक नहीं छोड़ा। ठीक है, अश्विनी जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे एक बात पहले कह देता हूं, कपीस जी आप दयाराम भार्गव साहब और अनिल डब्बास साहब का जो दर्द है, इन दोनों की जो पार्टियां, इनका जो दर्द है, आप वो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसने भी कहीं ना कहीं आपको खूब नुकसान पहुंचाकर वो लोग अपना निकल लिए। नहीं नहीं, इनको दर्द नहीं, भार्गव भाई की पार्टी को दर्द नहीं है, उन्होंने भी जमीन पे मेहनत की है, ओम प्रकाश राजभर जी भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, गरीब गुरबा की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, गरीब गुरबा वो खुद भी हैं और उसमें उनका पूरा परिवार भी साथ है और अन्य
हमारे जो मित्र बैठे हैं ये भी साथ में हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो हमारी तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। देखिए जब कभी कभी गठबंधन होता है तो वो बराबरी का गठबंधन होता है, समाजवादी पार्टी अपने बराबरी का गठबंधन है। खूब मीठी मीठी चाशनी जैसी बातें कर रहे हैं आप। चलिए अश्विनी शाही साहब के पास आते हैं। देखिए कपीस भाई ने एक बड़ा बढ़िया मुलम्मा चढ़ाकर चीजों को बोला। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे अनिल जी और दयाराम जी ये दोनों लोग हमारे भी गठबंधन के अंग रह चुके हैं, और मैं ये नहीं कहता हूं कि हम अपने बराबरी के लोगों से गठबंधन करेंगे। मैंने पहले ही कहा आपसे, इन्होंने ये जताने की कोशिश की कि जो है ये क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टियों से ही करेंगे, लेकिन हम लोग अभी आपको मैंने अभी पहले कहा कपिल जी नहीं आए थे, तो मैंने कहा कि हम लोग 2017 में 384 सीटों पर लड़े, दयाराम जी के साथ हमारा था गठबंधन, अपना दल के साथ था, भारतीय जनता पार्टी ने 2312 अपने बदौलत जीती, सरकार 203 पर बनती है, लेकिन फिर भी अब दयाराम जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री रहे और अपना दल हमारी सहयोगी रहे, लेकिन 2012 में चुनाव जब होता है समाजवादी पार्टी बहुमत में चुनी जाती है, बहुत बढ़िया सीजा रहती है समाजवादी पार्टी की चारों तरफ, ठीक दो साल के बाद चुनाव आता है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और उत्तर प्रदेश में हम लोग रिकॉर्ड सीटों से जीतते हैं, वो भी एक रिकॉर्ड है। उसके बाद समाजवादी पार्टी को बाकी दलों की याद नहीं आई, उनको बड़े दलों की याद आई, अपने बराबरी के लोगों की नहीं आई। आज जिनको वो बड़ा दल कह रहे हैं उन दलों से उन्होंने हाथ मिलाया, ठीक जिसके पिछलग्गू हुआ करते थे एनडीए में उससे उन्होंने हाथ मिलाया, दो लड़कों की जोड़ी बनी, पंजे का वजन ज्यादा था या ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अश्विनी शाही साहब, ठीक है अश्विनी शाही साहब, एक लाइन पूरा कर लेने दीजिए हमको, ठीक है बोलिए। साइकिल के हाथ से पंजा दबा या पंजे के हाथ से साइकिल दबी, कहानी सबके सामने है। फिर वही हुआ कि मैंने अभी फिर से कहा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन बुआ और बहुआ की जोड़ी बनी, वहां भी ये लोग फेल हुए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास रथ है वो आगे बढ़ चुका है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हमने तीन तलाक में सबको देखा, महिलाओं को जो महिलाएं वहां पीड़ित थी उनके साथ हम खड़े रहे, शौचालय बनवाया हमने किसी की जात धर्म नहीं पूछा, उज्ज्वला बांटा हमने किसी का जात धर्म नहीं पूछा, हमने 42 लाख मकान बांटे हमने नहीं पूछा, और आज समाजवादी पार्टी 10 लाख नौकरी देने का जो वादा कर रही है हमने 6.5 दिए, 4.5 हमने सरकारी नौकरियां दी और संविदा पर सरकारी जगहों पर बाकी लोगों को भरा, ठीक है अश्विनी साहब, ठीक है अश्विनी साहब, ठीक है ठीक है अश्विनी साहब ने 1.80 करोड़ लोगों को नौकरियां दी, ठीक है अश्विनी साहब जो छोटे दलों की बात हो रही है तो एक जनसत्ता दल जो है वो भी एक नया उभर कर सामने आया है, तो ऐसे में इस बार राजा भैया जो उसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उनको अपनी पार्टी में लेने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि उनका समाजवादी पार्टी से जो मेल मिलाप है वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि अगर वो आपकी पार्टी में नहीं आए या फिर सपा में चले गए तो कहीं ना कहीं जो ठाकुर वोट है जो राजपूत वोट है उसमें सेंधमारी हो सकती है। देखिए कयास बहुत कुछ लगाए जाते हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती है, बहुत से ऐसे दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं, लगभग हमको लग रहा है कि 400-500 दल तो उत्तर प्रदेश में ही रजिस्टर्ड होंगे जो चुनाव लड़ते हैं, किसी को अपना चुनाव चिन्ह तक बहुत पार्टियों को नहीं मिला हुआ है, लेकिन लोकतंत्र में सामने आने के बाद वो चुनाव भी लड़ते हैं और उनके पास 1%, 2%, 0.5%, 10% वोट भी आता है जी, ठीक है। समाजवादी पार्टी से जनसत्ता दल का जो तालमेल है वो उनके यहाँ मंत्री भी रहे हैं, उनके साथ तालमेल है, तो आज सपा ने ये कहा है कि हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे राज्यसभा में। अब देखिए कपिल भाई ठीक है, चलिए आप दोनों लोगों को थोड़ी देर के लिए विराम देंगे, दयाराम भार्गव साहब और अनिल डब्बास साहब काफी देर से बैठे हैं, तो अनिल डब्बास साहब और दयाराम भार्गव साहब आप दोनों लोग काफी देर से बैठे थे, माफी चाहूंगा आप दोनों के लिए, अब दयाराम भार्गव साहब के पास आता हूं। दयाराम भार्गव साहब ये बताइए कि बीजेपी से तो आप अलग हो गए,
लेकिन अब आप अगर किसी और की तरफ देखते हैं, किसी और पार्टी की तरफ देखते हैं, बीजेपी को हराना मकसद है या खुद को बढ़ाना मकसद है, मकसद क्या है? देखिए, मकसद उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता को रोटी रोजगार शिक्षा दवाई की हम बात करते हैं, हमारी पार्टी बात करती है। बहुत अच्छी बात है कि डिबेट होने के आधे घंटे बाद आम जनता की तो बात आई। दूसरी बात हमारे भाई अश्विनी साही ने तीन बातें रखी, मैं उस पर जवाब दे देता हूँ। हमारे भाई ने कहा शौचालय हमने दिया, 75 साल की आजादी में आज शौचालय बनाया जा रहा है, और आप देखिए जहां शौचालय बना है 90% बता रहा हूं शौचालय या तो उसमें उपला रखा जा रहा है या तो टंकी नहीं है, टोटी नहीं है, या तो पानी नहीं है। 90% शौचालय की बात कर रहा हूं अस्त्री भाई। उत्तर प्रदेश में कोई जिले का, किसी विधानसभा का एक गांव या ब्लॉक का गांव ले लीजिए, 100% आपको दिखाऊंगा उस शौचालय में या तो उपला रखा होगा या तो टंकी नहीं होगी, टंकी होगी तो उसमें पानी नहीं होगा। और मेरी बात बताऊं, शौचालय उसी का बना है, 10,000 है आपने शौचालय के लिए 12,000 दिया, आपको जानकारी होना चाहिए उसमें 2,000 कमीशन खा जाते हैं। और उसके बाद आप बताइए 700 रुपया मिस्त्री का है, 500 रुपया लेबर का है, 10x10 का गड्ढा बनाने में आप बताइए कितना खर्चा बैठेगा सुनील भाई। और इसको समझिए, ये इतना बड़ा घोटाला है देश में शौचालय का, मैं इसके ऊपर आपको बता रहा हूँ, आप किसी गांव में जाके देख लीजिए। दूसरी बात, आपकी शौचालय जो रिपोर्ट है, ये शौचालय जो रिपोर्ट है, ये आपकी खुद की रिपोर्ट है या किसी की आंकड़ों को आप कोट कर रहे? मैं खुद की रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ अश्विनी भाई, किसी विधानसभा के कोई गांव चुन लीजिए जहाँ इन्होंने शौचालय दिया है, 90% शौचालय लायक नहीं है। मैं आप फिर बता रहा हूँ, ठीक है अश्विनी साहब, क्यों शौचालय नहीं दिया? दूसरी बात एक चीज और, इन्होंने दो बातें और रखी, इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात करी, हमने बांटा। अरे भैया उज्ज्वला योजना आपने किसको बांटा? आप जो सब्सिडी दिया करते थे, आज 18-19 महीने से सब्सिडी बंद है। दूसरी बात, जो उज्ज्वला योजना गया हुआ आपने दिया है, आप जाके देखिए उज्ज्वला योजना का सिलेंडर और चूल्हा एक साइड रखा हुआ है, वो इतनी महंगाई में गैस सिलेंडर नहीं भरा सकते, वो उपले पे आगे है, दोबारा गांव में जाइए। और दूसरी बात, इन्होंने कहा नौकरियों की, योगी जी ने कहा हमने भरपूर नौकरी दिया, जिस गड्ढे खोदने को मनरेगा को देश के प्रधानमंत्री कहा था जीता जागता गड्ढा खोदने वाला है मनरेगा, आज कोरोना काल में योगी जी ने उसी मनरेगा को रोजगार में जोड़ दिया। और रोजगार इन्होंने क्या कह दिया मैं बता देता हूँ, जो नाई बाल काटता है उसको भी इन्होंने कैसे उस तरह को इन्होंने रोजगार में बना दिया, बढ़ई जो लकड़ी छीनता है उन्होंने इसको रोजगार बना दिया, पाल गलेरिया जो भेड़ पालता है उसको इन्होंने रोजगार में डाल दिया, कुम्हार जो आपके नेता को मंत्री भी बना दिया, रोजगार में डाल दिया, लोहा जो लोहार है, और आपके नेता को मंत्री भी बना दिया, उसका इन्होंने रोजगार में डाल दिया। अरे मैं कहता हूँ जिसकी 50 साल पुरानी पुश्तैनी काम है उसको आप रोजगार में जोड़ दिए, यही आपका काम है। उसके बाद आप सुनिए सुनी साहिब, इसको सुनिए भारतीय जनता पार्टी कार्यशाली, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला में 22,000 पिछड़ों का हक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लूट लिया, आप किसकी बात करते हैं? उसी के साथ में नौकरियों की बात करते हैं, बाधा में कृषि प्रोफेसर की 13 की भर्ती में 13 में से 11 प्रोफेसर जो ठाकुरों को भर्ती कर दिया जाता है, पिछली सरकार को आप यादव की बताते थे कि यादव भर्ती हो गए, आपकी सरकार में 11 ठाकुरों को भर्ती कर दिया जाता है कृषि प्रोफेसर में, उसमें आपको ओबीसी एससी नजर नहीं आया, इस पे जांच कब होगी? और मैं बताऊं, इनके खाद्य सुरक्षा मंत्री है, उनके भाई जो है वो सवर्ण में आते हैं, पिछड़ी जात का ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के नौकरी ले लेते हैं प्रोफेसर का। आराम से बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की इतनी कमियां है, अगर मैं गिनाने बैठूं पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। रही बात मुद्दों की, आप बताइए उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल 60 रुपए यूनिट, आप बताइए दिल्ली में 2 रुपए 10 पैसे यूनिट, और बताइए आम आदमी पार्टी आ रही है 300 यूनिट बिजली मुफ्त लेकर। चलिए ठीक है। सुभाषपा के दयाराम जी के लिए, दयाराम साहब, आम आदमी पार्टी आ रही है 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी, शौचालय में जो गड़बड़ी है वो खैर ठीक हो जाएंगी या नहीं होंगी वो भगवान जाने। अब अनिल डब्बा साहब आपके पास आएंगे, अनिल डब्बा एक अश्विनी साहब आप बोलिए, अश्विनी साहब खाली दयाराम जी साथ जोड़ना चाहूंगा। अरे अनिल भाई एक लाइन बस, ठीक है बोलिए। एक दयाराम जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा जहूराबाद है,
एक मार्ग है सिपाह जहूराबाद मार्ग, वहां पर सीसी रोड बनाया था उन्होंने, और वो रामजी राजभर उनके जो है प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने बनाया था। उसमें किसको कमीशन आपने दिया था, वो छह महीना में क्यों रोड छूटी, इस पर भी बाद में जवाब दे लीजिएगा। अनिल जी बोलिए। ठीक है भाई, तो पूर्वांचल पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है, एक्सप्रेसवे जो आप बना रहे हैं, वो पूरा का पूरा अतरौलिया तक टूट गया आजमगढ़ में। अरे लोग एक सेकंड सब नहीं बोल रहे, एक मिनट रुक जाइए। अश्विन साहब, दयाराम साहब, कपिल साहब, एक मिनट रुक जाइए। हाथ जोड़ के निवेदन है, एक मिनट के लिए रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। लोकतंत्र की और डिबेट की, बहस की यही खूबसूरती है कि आप सब आपस में ही एक दूसरे को एक्सपोज करने लगते हैं और फिर एक साथ बैठ के चाय भी पी लेते हैं। ठीक है, अब अनिल डब्बास साहब बोलेंगे। अनिल डब्बास साहब, बहुत देर से आप शांत बैठे हैं, मन में क्या आ रहा है, क्या गुबार है मन में? मैं, आपने एक बात कही थी कि हम छोटे दल टकटकी लगा कर, नहीं नाराज मत होइए, नाराजगी वाली बात नहीं ना, मैंने छोटा दल, छोटा दल बहुत महत्वपूर्ण होता है, छोटे दल की बात नहीं कर रहा, छोटा दल आपका, आपके नेता कल मुख्यमंत्री ही बन सकते हैं, आप किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं, नाराज मत होइए। चलो धन्यवाद, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारा, अगर हमारा एक भी सांसद माननीय जयंत चौधरी जी या चौधरी अजीत सिंह अब रहे नहीं संसद में होते, तो इतनी औकात नहीं थी बीजेपी सरकार की कि वो किसान 10 महीने तक यहाँ बैठे हैं बोर्ड रूप है, वो बैठा पाते। उनके एक टेलीफोन से जो उनको राकेश टिकैत जी को उठाने की काम कर रहे थे, एक टेलीफोन से वहां हुजूम देखने को मिला होगा। ये है हमारी ईमानदारी, ये हमारी पार्टी की ताकत, किसान मजदूर और गरीब अफियत के लोग जो है हमारी ताकत है। हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। चौधरी अजीत सिंह ने अपना राजनीतिक करियर दांव पे लगा दिया, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लोग इतिहास बनेगा। जब भी कभी आगे कभी कोई दंगा होगा तो लोग उदाहरण देंगे हिंदू मुस्लिम का कि एक ऐसे नेता हुए हैं, एक ऐसे जो है मसीहा हुए हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी राजनीति को दांव पे लगा दिया। वो मुजफ्फरनगर चुनाव जीतने नहीं गए थे, वो ये चुनाव लड़ने नहीं गए थे, वे केवल इसलिए गए थे कि जो है हम जो है वहां के का जो दूरी है हिंदू और मुसलमानों के बीच उसको खत्म कर दें। और रही दूसरी बात, आप कह रहे थे कि हमने रोजगार दिए हैं, मैं बीजेपी के भाई आप अश्वनी भाई को बताना चाहता हूँ, आपने पूरे देश को कॉन्ट्रैक्ट पे भेज दिया, आप कहीं भी कोई भर्ती नहीं होती, अगर कोई भी भर्ती होती पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आपने पूरे देश को कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया, चाहे कोई कोई मेडिकल कॉलेजों की भर्ती हो, चाहे कोई पुलिस की भर्ती हो, 5 साल के लिए आपने बोल दिया कि पहले कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करेंगे, ऐसा पहले सारे देश को बेचने का काम किया है, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे जो अभी आपने किसानों की जमीन तक को बेचने के लिए काम कर दिया। रही बात ये जो अभी राजभर जी और बसपा के उसके बात कही, हमारे कैंडिडेट जहाँ रहे, हमारा कैंडिडेट चाहे चुनाव आ रहा हो, लेकिन हमारे जो वोटर है उन्होंने बसपा को वोट देकर बिजनौर में सांसद बनाने का काम किया। ठीक है, जहाँ बसपा के लोग चुनाव लड़े या सपा के लोग लड़े, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे लोगों ने वोट किया। ठीक है। आप कपिल श्रीवास्तव साहब के पास जाऊंगा। कपिल श्रीवास्तव साहब, हल्का फुल्का कहीं ना कहीं तो आपके मन में भी डर होगा। ठीक है, तो कपिल साहब जो है वो अभी टेक्निकल कुछ परेशानी की वजह से हमारे साथ नहीं है। मैं कुछ दो सेकंड में करना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं दूसरे डिबेट पर। जी कहिए। मैं दूसरे डिबेट पर जी कहिए। मेरी बात तो हाँ, देखिए जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुनील सुभाष भाई सुन रहे हैं, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की होती, अपने वादे पे खड़े उतरती, तो आज इनको छोटे दिलों की ताकत को इनको महसूस नहीं होता। आज निषाद पार्टी को क्यों ले रहे हैं, राजभर की ताकत तो इनको पता है। पूर्वांचल के 125 सीटों पे हर विधानसभा में 20-25-30-35 का वोट जो है राजभर जी का, सुभाषपा का है। ये अश्विनी भाई आप ना भूले, 2022 में आपको जनता सबक सिखाएगी। भाजपा के साथ रह के आप लोग 4 सीट जीत गए थे। देखिए सुनिए, मुझे पता बास जी का, हमारे आदरणीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर का जो सीट था विधानसभा का, वहां भारतीय जनता पार्टी खुद तो देती है सूट, उसके बाद डमी कैंडिडेट अपना भाजपा लड़ा देती है, इसलिए अरविंद राजभर को हराने का काम किया। आपने रणजीत सिंह को हराने का काम किया, आपने हमारे महेंद्र राजभर को हराने का काम किया, क्या बात करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में इतना अंतर है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 4 सीट जीत गए आप। देखिए वो तो समय आएगा, देखिए आपको समय आएगा, टेंशन मत लो अपनी भाई, बस समय का खेल देखिए 2022 का, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ी पार्टियों
अभी अभी दयाराम जी, अभी आप लोग तय कर लीजिए कि कहाँ जाना है आपको, कौन दरवाजा खुला है अभी भागीदारी के लिए, ये देखिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद है सुनी भाई, और बाकी कोई भी पार्टी, और नहीं तो हमारे दसों दल के जो नेता भागीदारी संकल्प मोर्चा है, उन्होंने तय कर रखा है कि हम भागीदारी संकल्प मोर्चा 403 विधानसभाओं में प्रचुनाव रहे। अरे भाई, यूपी को 5 मुख्यमंत्री 20 उप मुख्यमंत्री आप देने जा रहे हैं, अरे भाई यूपी की जनता सौभाग्यशाली होगी कि एक ही मुख्यमंत्री उनका बहुत बढ़िया है कर्मयोगी आदित्यनाथ। अच्छा ठीक है, ये 20-25 नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को, 20-25 मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में 3 साल में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी देती है, और उसके बाद गुजरात में 2 मुख्यमंत्री बना देती, क्या नाम है, 4 साल में। आप कर्नाटका में क्या काम करते हैं, आप बिहार में। अरे दयाराम साहब, हल्का। भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल गुमराह करने का, झूठ बोलने का काम करती है। इसी के साथ में सबको नमस्कार। थोड़ी देर और बोलते तो टीवी से बाहर आ जाते। ठीक है, चलिए अश्विनी शाही साहब आप पर आऊंगा। ये बताइए कि आपने राम मंदिर वाली बात कही, ठीक है, हो गया। इसके साथ ही समर्पण निधि अभियान जो आपने चलाया वो भी आपका सक्सेसफुल होता हुआ नजर आया, चलिए ठीक है। तो ऐसे में जब ये सारी चीजें आपकी तरफ जा रही हैं, तो अब अब्बा जान, चचा जान, ये नैरेटिव क्यों दिखाना? इससे कहीं ना कहीं छवि बिगड़ेगी नहीं कि देखिए फिर से ये एंटी मुस्लिम वाली बातें शुरू हो गई? देखिए, हमको जो करना है, हम मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे हैं। हमने 3 तलाक, देखिए अभी जो कहा, इन विरोधी दलों को विरोध करना है जी, तथ्य नहीं है, विरोध करना लेकिन तथ्य नहीं है जी। एक जनरल आदमी, सरकार ने अगर शौचालय बनवाया तो शौचालय में उपला रख रहे हैं उसके लिए पुलिस फोर्स थोड़ी लगाएंगे कि उपला मत रखो जी। जिस घर में शौचालय नहीं थी उसकी मां और बहने, हम लोग गांव से आते हैं जी। और गांव में शाम को चले जाइए आप तो माए बहने जो है लोटा लेकर और डब्बा लेकर सड़कों के किनारे बैठी रहती थी, और किसी लाइट की रोशनी पड़ती थी तो क्या आसानी पीड़ा होती थी उनको, आपको किसी को इसका अंदाजा नहीं है। अगर वो कोई वहां पर उपला रख रहा है और भूसा रख रहा है तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार ने तो देने का काम किया। अगर अमेरिका से और कनाडा से और ब्रिटेन से हम तुलना करते हैं तो हमको ये भी तुलना करनी पड़ेगी कि अपने घर को, अपनी चीजों को जो सरकार दे रही है, जो सुरक्षित और संरक्षित रखें। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरी, हमने उज्ज्वला योजना में जो दिया, उज्ज्वला योजना की भी कहानी सुन लीजिए। ये लोग कहते हैं उज्ज्वला में आपने क्या दिया, ये खत्म कर दिया। भाई मेरे, उज्ज्वला योजना के चक्कर में एक मां खाना बनाती थी, उसके 3 बच्चे होते थे, वो 3 बच्चे दोपहर में लकड़ी बीनने चले जाते थे, उपले लाने चले जाते थे, उनकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ता था। और जब वो उपला आता था और लकड़ी आती थी, वो मां जब खाना बनाती थी तो उसके फेफड़े पर भी असर होता था। आज के दिन में हम उनको उज्ज्वला योजना में लाकर उनको हमने जोड़ा है कि आज वो दोनों चीजों से उनके बच्चे पढ़ सके, शिक्षा भी उनको मिल सके और इनके फेफड़े भी ना खराब हो सके। तो हमने स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर काम किया और बहुत ही मजबूत काम किया। ठीक है, तीसरी चीजें आ जाइए, सौभाग्य योजना, बिजली की योजना जो है, आज के दिन में हमने कम से कम करोड़ों घरों को, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं तो करोड़ों घर को हमने बिजली दिया। जो चोरी की बिजली जलाते थे लोग, कटिया फंसाते थे, वो आज कनेक्शन के लिए हैं। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो दे रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं दे रहा है, लेकिन जो लाइन लॉस होता था उस लाइन लॉस पर ये लोग जाए तो सरकार का राजस्व कितना बच रहा है। ठीक है, ठीक है। अश्विनी साई साहब, आपने जो पॉजिटिव चीजें थी वो तो गिरा दी, अब नेगेटिव बातों पर आते हैं कि नेगेटिव आपको क्या हो सकता है इस बार चुनाव में। तो इसमें 2 अहम चीजें हैं, एक होता है कोरोना, जो दूसरी लहर आई उसकी जो तस्वीरें आई वो हर किसी ने देखी, ठीक है, उसका आपको घाटा होगा या नहीं होगा ये आप अभी बेहतर समझाएंगे। इसके साथ ही दूसरी चीज है कि पिछले 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 1 साल होने जा रहा है, किसान पूरा पश्चिम बेल्ट जितनी है वहां पर महापंचायतें भी हो चुकी है, किसान आंदोलित है, उसका आप कैसे हल निकालेंगे, उन्हें कैसे मनाएंगे? आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो नेता महज हैं, ऐसा नहीं, बड़ी संख्या में देखे गए हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? इसको आप पर आएंगे, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अनिल डब्बा साहब के पास आते हैं। आप अनिल डब्बा साहब ये बताइए कि आप जो है किसानों को किस तरीके से एक ऐसी सेटिंग में लेंगे, इस तरीके से आप लेंगे कि आप बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएंगे?
नहीं देखो, किसान हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं। चौधरी अजीत सिंह ने 40 चीनी मिल लगवाए, दूरी घटाई, किसानों के लिए काम किए हैं, उद्योग छोटे उद्योगपतियों के लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए, अकलियत के लोगों के लिए काम किए हैं। तो वो तो मानने की बात ही नहीं है, वो तो बहक गए थे। दरअसल क्या है, जो युवा बच्चे थे उनको लगा कि बीजेपी सरकार आएगी और वो जो है हमको रोजगार देगी, वो सब लोग वापस आ गए। अभी इन लोगों को जो है जब देश में आचार संहिता प्रदेश में लगेगी तो इनको झेलना पड़ेगा वो सारी चीजें, इनको पता चल जाएगा। इन्होंने जो बिजली की बात अभी कही थी, बिजली की दर घटाने की, पहली बार प्रदेश में आपके तहसीलों में आरसी कटी हुई है और बिजली विभाग वालों से गाड़ी ली हुई है और वसूली करने के लिए रोज तहसील से लोग आते हैं, जो जो जिनको इन्होंने जो है पूरी फ्री में कनेक्शन बांटने का काम किया और उनकी यूनिट 700-700 रुपए करके और उनके 4,000 बिल आते हैं एक महीने के, उनके लोगों के तहसीलों में पड़े हुए हैं। ठीक है, आपकी आरसी कटी हुई है, रिकवरी के लिए ठीक है। अरे डब्बा साहब, आपसे बड़ा मासूम सा सवाल है, आप सवाल को सुनिएगा, बड़ा मासूम सा सवाल है, आप समझिएगा इसको। जैसे कि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, गाजियाबाद का जो बॉर्डर है गाजीपुर से लगा हुआ है, वहां पर किसान हमेशा बैठे दिखते हैं। आप जिस पार्टी के साथ इस बार चुनाव में हैं, अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, कभी आपने देखा कि वो किसानों से मिलने भी गए हो, उनसे बातचीत भी की गई हो? चलिए योगी जी नहीं सुन रहे अलग बात है, केंद्र नहीं सुन रहा अलग बात है, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी सड़क पर निकल कर उनसे बातचीत करने की कोशिश की? यहाँ आए नहीं, नहीं नहीं, उनकी पार्टी के लोग हमेशा साथ जाते हैं, हमेशा रहते हैं। कौन सा कपड़ा पहन के आते हैं बीजेपी, कौन सा कपड़ा पहन के आते हैं? हम मुझे नहीं दिखे इसलिए मैं पूछ रहा हूं। उनकी उनका जो सिंबल होता है, टोपी होती है, झंडा होता है, उसके साथ आते हैं लोग? ऐसा नहीं है, वो नहीं आते, वो रहते हैं भाई। हम लोग गठबंधन में काम कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश। भाई ये जानना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव अगर हाथरस पहुंच जाते हैं, अखिलेश यादव अगर कहीं पर कुछ और कुछ होता है, घटना होती है, वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन जो बीते 11 महीने से किसान बैठे हुए हैं और ये उत्तर प्रदेश के अंडर में आ रहा है जहां पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर इधर बैठे हुए हैं, तो उधर पर अखिलेश यादव अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिया, मेरा सवाल ये है। नहीं, वो उनका राजनीतिक हो सकता है, देखो मैं उनकी राजनीति में उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। ठीक है, आपकी बात कर लेता हूं। जयंत चौधरी ऊपर हवाई जहाज से महापंचायत में फूल गिराकर चले जाते हैं, ऐसा वो कहते हैं, वो भी नहीं करते। नहीं, वैसे उनको परमिशन मिलेगी तो जाएंगे ना। परमिशन किस बात की परमिशन चाहिए होती है? जब उन पर लाठी चल गई तब तो उन्होंने लाखों की भीड़ इकट्ठा कर दी, तब परमिशन मिल गई। नहीं नहीं, और इस बार परमिशन क्यों नहीं मिल पाई? या तो मन नहीं था, या तो किसानों ने पंचायत की थी। नहीं नहीं, वो उन्होंने खुद नहीं कहा था कि पंचायत कर लो। नहीं, ये नहीं, आप जाइए, आप पीछे जाइए ना बैक में, ऐसा कुछ नहीं है। जयंत चौधरी ने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक नहीं 16 ठिकाऊंगा। आपको लगता है किसान आंदोलन के सहारे आपकी जो डूबती नैया है उसको पार लगाया जा सकता है? बात डूबने की नहीं है, नैया उड़ती रहती है, डूबती रहती है, वो नहीं। तो डूब चुकी है कि नहीं डूबी? पार्टी थी प्रदेश में बीजेपी, पांचवें नंबर की पार्टी थी, लेकिन हम वो झूठ की राजनीति नहीं कर सकते, हिंदू मुस्लिम की नहीं कर सकते, लाशों की राजनीति हम नहीं करेंगे। बात पार्टी पांचवें नंबर की रहो या डूबती नहीं है। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद से तो आपसे चौधरी भी नाराज चल रहे हैं, जाट वो भी आपसे नाराज है, आपको पता है? देखो, घर में परिवार के लोग भी नाराज हो जाते, ये कोई इशू नहीं है, वो सब आ जाएंगे। घर परिवार के लोग ही नाराज होकर वोट कहीं और डालते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको वोट डालने का अधिकार है, कोई हमारे लिए वोट ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए वोट डालेंगे, वो अपने भविष्य के लिए वोट डालेंगे। अब की बार वो देश की और प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। जो बॉर्डर पे बैठे हैं लोग, जो घरों में बैठे हैं, जिनके गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, उन लोगों को आपको पता चल जाएगा इस बार। आप देखिए, आपके सर्वे देखेंगे, आप सर्वे कराइए, ठीक है। अश्विनी साई साहब के पास आऊंगा। अश्विनी साई साहब, ये बताइए कि आप कहीं ऊपर ही ऊपर खेलते रह जाएं, आप कहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर खेलते रह जाएं, आप कहीं अन्य राम मंदिर के मुद्दे पर रह जाएं, आपको अफगानिस्तान में जो तालिबान का पूरा मैटर हुआ इससे भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ होगा, आप कहीं पूरा राष्ट्रवाद का एजेंडा लेकर खेलते रह जाएं, लेकिन अगर सपा की बात करूं, इन्होंने छोटे छोटे दल जो कि एक राजनीतिक सियासत में क्या मायने रखते हैं, मैं आपको बताता हूं, वोट बैंक का मायना रखते हैं। जैसे कि आपको बताऊं कि जैसे सुभाषपा है, इसका अपना वोट बैंक है, तो ऐसे अगर वोट बैंक जातिगत आधार पर इन्होंने इकट्ठे कर लिए तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, पहले मैं आपको कहूंगा कि ये छोटे दल जो हैं और सब लोग राजनीति जहां भी कर रहे हैं, इस समय हर आदमी जाति के ऊपर पार्टियां खड़ी करके राजनीति कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सुभाषपा हो, जो भी दल हो, ये इन दलों का जो निर्माण हुआ वो जातियों पर ही हुआ, चाहे निषाद पार्टी, ये लोग जाति की राजनीति करते हैं।
हाँ निषाद पार्टी भी है, मैं कह रहा हूँ जातियों की पार्टियां हैं, मैं नाम ले रहा हूँ निषाद पार्टी है, अपना अपना दल भी है, आप जोड़ लीजिए उसमें। जी जी बिल्कुल, ये लोग तो आप जातिगत राजनीति भी करते हैं। हाँ बोल रहे हो। नहीं आप हमको अपना हमारा सवाल आपने पूछा है उसका जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद आपका जवाब अपने आप जाएगा। पार्टी जातिगत राजनीति कराइएगा अपनी टीम से, जो मैं कहना चाहता हूँ वो सवाल जवाब निकल के आ जाएगा। तो ये जितनी पार्टियां हैं ये जातियों के ऊपर करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर चलती है। इसमें मैं आपको जोड़ना चाहूंगा जो आपकी बातों का जवाब है जी। पूरा देश, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश, जब से वर्ण व्यवस्था बटी है तब से जो चार वर्ण बटे थे उसके बाद अब बहुत जातियां और उसमें विभेद उपजातियां होती गई हैं। यही हमारे जो आज उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ वोटर हैं उसमें सारी जातियां निहित हैं। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है, हर व्यक्ति ये जानता है कि अगर कुछ हम बोलते हैं अभी यहां पर मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो कल आप ये कहेंगे अश्वनी शाही भाजपा नेता के बिगड़े बोल। मैं तो बस आपसे उसी चीज पर लेकिन सच्चाई यही है, मैं आपसे अश्वनी शाही जी उसी चीज पर कंटिन्यूएशन हो, राजस्थान हो, पूरा भारत की मैं बात कर रहा हूँ। अश्वनी शाही साहब उसी चीज पर उसी कड़ी पर और ये चीजें होती है। अश्वनी शाही साहब आपने दो चीजें, अश्वनी शाही साहब माफ कीजिएगा, सवाल और किए थे उसका भी जवाब ले लीजिए। अश्वनी शाही साहब माफ कीजिएगा, लेकिन एक कंटिन्यूएशन जिस पर आपसे बातचीत हो रही थी, निषाद पार्टी को आपने एक जातिगत वोट बैंक की पार्टी बता दिया, ठीक है, आपने अपना दल को भी बता दिया, वो दोनों आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो आप भी जातिगत राजनीति करते हैं, हाँ या ना? नहीं हम जाति, मैं तो कह रहा हूं सबका साथ सबका विकास हमारे साथ, वो लोग अच्छा, भी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को, अपना दल भी है हमारे पास, ब्राह्मण भी है। आप एक बात बताइए, एक जाति के वोट से हम 312 सीट पा सकते हैं, हाँ या ना? एक जाति के वोट से जातिगत राजनीति करनी ही क्यों है? एक जाति के वोट से सब लोगों को जाति की नजरों से अलग करके देखना क्यों चाहिए? सब लोग हैं, हाँ या ना? दोबारा बोलिएगा, आपका क्वेश्चन रिपीट करिएगा अश्वनी भाई। हाँ नहीं, एक सेकंड, कहाँ हुआ, रिपीट करिए अश्वनी। साढ़े चार साल में कोई दंगे हुए अनिल जी? अश्वनी शाही साहब बहुत ठीक है, ठीक है, समय की कमी के कारण यही रुकूंगा। अश्वनी शाही साहब शायद नाराज हो गए, माफी चाहूंगा, ठीक है। नहीं नहीं नाराज, सत्ता के लोगों से जब भी जाता हूँ नाराज करके नहीं जाता हूँ, हाथ जोड़ के जाता हूँ, ठीक है, नाराज मत। नहीं नहीं, कोई इस डिबेट में सबको अपना विचार रखने का हक है, बिल्कुल, और सब लोग खुले मन से आप यहाँ पर रखे, समय की कमी के कारण यही जगह है। डिबेट खत्म होने के बाद आप अश्विनी साई जी थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा, बढ़िया लगेगा, स्वाद आएगा। लेकिन 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 अश्विनी साई साहब धन्यवाद है आपका। कपिल श्रीवास्तव साहब थोड़ा सा पहले ही छुट्टी ले गए, उनका भी धन्यवाद है। दयाराम भार्गव साहब बड़ी तेजी में थे, उनका भी धन्यवाद है। अनिल डब्बाल साहब RLD, उनका भी धन्यवाद। बड़े दुर्भाग्य की बात है दर्शकों कि एक घंटे की पूरी बहस के दौरान पार्टियों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए, पार्टियों ने एक दूसरे पर, सब लोग मौजूद थे, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सब लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए। लेकिन दर्शकों एक बात जो समझ में नहीं आई कि जनता का जिक्र लगभग लगभग आया ही नहीं। तो इस पर एक बड़ी एक पुरानी शायरी याद आ गई कि शाम तक सुबह की नजरों से गिर जाते हैं, दर्शकों शाम तक सुबह की नजरों से गिर जाते हैं, इतने समझौते करते हैं कि आम आदमी मर जाते हैं। तो दर्शकों यही सब कुछ कहना है आपके पास कि राजनीति है, सियासत है, सब एक दूसरे के साथ चाय भी पीते हैं, सब एक दूसरे के साथ कड़वी चाय भी पीते हैं, लेकिन आम जनता के मुद्दों पर कब बात होगी इस पर हम बातचीत करते रहेंगे। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।